प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम हमारे म्यूजिक एकेडमी रॉयल मार्चिंग बैंड। आप सभी से हमारा अनुरोध है, जो हमारे नए दर्शक है, प्लीज़ आप आई बटन में जाइए, हमारे पुराने वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और हम फेसबुक में भी आते हैं, आप हमें वहाँ से भी मिल सकते हैं। और हमारे सारे दर्शक से हमारा अनुरोध है, प्लीज़ आप हमारे सारे वीडियो को देखिए, आप हमारे साथ रहिए, कंटिन्यू रहिए, तभी आपका आशीर्वाद हमें साथ रहेगा तो हमें बहुत आगे बढ़ने में सहायता होगा। तो चलिए, हमने इससे पहले भी आपको बोला था कि हम लोग मार्चिंग बैंड के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर ऑनलाइन सेशन शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिटेल्स में जानना जरूरी है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ यूज़ होता है, क्या यूज़ करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं, एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत तरीके के, बहुत से टाइप के, वेरियस के साउंड के स्नैर यहाँ पर रखे हुए हैं। इन सब के बारे में हम वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल्स में बताएंगे कि मार्चिंग बैंड में, पाइप बैंड में और कीबोर्ड बैंड में, इस तरह के बैंड में आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए, ये हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है स्नेयर का, उसका पार्ट वन है। आज हम इसमें आपको दिखाएंगे कि दो तरह के हमारे पास यहाँ पर स्नेयर रखे हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। ये आपको, तो ये स्टिक है, आपको पता ही है बन जाने वाला, तो यहाँ पर एक तरीके का रखा हुआ है, ठीक है, वन ऑफ टाइप ये है और ये एक टाइप का है। सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताएंगे, एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे, इसके यूज़ के बारे में बताएंगे और भी जो इसके बारे में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जो जानेंगे वो है इसका गोलाई, मतलब ये कितना बड़ा है। ये फाइबर जो इसका आता है, ये इसमें जो फाइबर लगाया हुआ है जो 14 सेंटीमीटर का है, आप देख सकते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट है, इधर से और उधर से दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट है, इधर ट्रांसपेरेंट नहीं लगाया हुआ है। तो इसका थिकनेस जो है इस फाइबर का, वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसके फाइबर के बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 10 mm लिखा हुआ है, 10 mm यानी कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा उठ गया है क्योंकि हम लोग इसको बजाते हैं, 10 mm लिखा हुआ है। 10 mm का मतलब होता है इसका जो थिकनेस है, इसका मतलब हम यहाँ पर एक और फाइबर आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा फाइबर है, आप देख सकते हैं, ये ड्रम का है, ठीक है। थिकनेस का मतलब ये लोग बोलना चाह रहे हैं, ये जो फाइबर का जो है, इसमें जो आपका जो थिकनेस है उसके बारे में यहाँ पर 10 mm लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं, ये 15 mm लिखा हुआ है। तो ये स्नेयर का नहीं है, ये बिग ड्रम का है, ये बिग ड्रम का ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो, आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी इसको देखते हैं। तो आपने जाना है किस किस प्रकार का साइज होता है, 12 सेंटीमीटर में भी आता है, 14 सेंटीमीटर में भी आता है। 12 और 14 सेंटीमीटर में ही हम लोग स्नेयर को यूज़ कर सकते हैं, उससे बड़ा या फिर उससे छोटा स्नेयर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप सेकेंड पार्ट में हम लोग आते हैं। इसका जो है, ये जो मेन पार्ट है, ये स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं, इस स्प्रिंग के वजह से ही जो स्नेयर का आवाज़ है उसमें ट्रेबल आता है, चिक चिक करके बजता है। तो ये जो स्प्रिंग का जो लंबाई है, ये आपको 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर में यूज़ करने लायक स्नेयर में के हिसाब से ही बनाया जाता है। ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये जो स्प्रिंग है आपको 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर में भी आता है और पतला में भी आता है, ठीक है। तो आप इसको जितना ज़्यादा चौड़ा लगा लीजिएगा उतना अच्छा आवाज़ इसमें से निकलेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, आप देख सकते हैं, ये रिंग, एक स्नेयर में दो तरफ से रिंग लगा हुआ रहता है, एक सामने एक पीछे। इस रिंग को आप देख सकते हैं, बहुत सारे नट के ज़रा, बोल्ट के ज़रा जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग सिंपली इसको चाबी भी कह सकते हैं, ये इसका चाबी है। इस चाबी को हम लोग एडजस्ट करते हैं, इसको साउंड के हिसाब से इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। इसको हम लोग बहुत बार देखते हैं, हम लोग बहुत से लोग जब इसको एडजस्ट करते हैं, जब इसको खोलते हैं तो जैसे तैसे खोल देते हैं, और जैसे जैसे एक बार इसको टाइट देते हैं, एक बार इसको टाइट देते हैं, वो नियम नहीं है, ठीक है। नियम जो है, जब भी हम इसको खोलेंगे दोनों तरफ से सेम सेम इसको टाइट मारने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इस तरह से, तो जो हमारा साउंड है वो बहुत ही बेटर आने का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस स्नेयर को हैंगिंग करने के लिए, इसको बेल्ट के साथ झुलाने के लिए एक यहाँ पर आपको
हैंगिंग यहाँ पर बनाया हुआ है। आप इसको बेल्ट के साथ इस तरह से स्नैर को बेल्ट लगाकर झुला सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ये, इसको हम स्प्रिंग एडजस्टर कहते हैं। आपको दिखा रहे हैं खोलकर, ये जो स्प्रिंग यहाँ पर लगा हुआ है, इस स्प्रिंग को यहाँ से एडजस्ट किया हुआ है। इसके द्वारा, स्प्रिंग एडजस्ट के द्वारा आप इसको जितना टाइट करिएगा इसका आवाज़ और भी उतना सुंदर निकलेगा, या फिर अपने यूज़ के अनुसार आप इसका टाइट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसको जो वाइटल पार्ट है आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप मार्केट से स्नैर खरीदिएगा, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने सारे चाबी लगे हुए हैं आपको दिखा रहे हैं। इधर दो, दो चार, दो छः, दो आठ, यहाँ पर चार, आठ चाबियाँ लगी हुई है। अगर आप मार्केट में जाइएगा तो हमेशा कोशिश करिएगा आठ चाबी लगा हुआ स्नैर ही खरीदने का। तो अगर कम चाबी अगर स्नैर में आपका लगा हुआ रहेगा तो इसका टाइटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसका साउंड भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस स्नैर के बारे में, ये स्टील बॉडी का है, इसका और भी मेटल बॉडी भी आता है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। तो इससे, इसके बाद हम लोग एक वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो इस स्नैर का हर एक एक पार्ट, एक एक जो भी फाइबर हो, स्प्रिंग हो, ये सब कहाँ से ख़रीदा जाए, कहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं बहुत ही कम दाम में, या फिर सस्ते में, या फिर सही दाम में। और ये जो पूरा स्नैर है, इसको, इस पूरे स्नैर को भी हम लोग पूरा कितना अच्छे तरीके से और अच्छा क्वालिटी का कहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो वो भी, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, वो दुकान, वो शॉप सब दिखाएंगे आपको। और इसका जो भी रेट रहेगा वो कोलकाता का रेट रहेगा, तो वो कोलकाता का बेस्ट एंड बेस्ट मार्केट हम आप लोग को दिखाएंगे। तो फिलहाल एक तो आइडिया हम आप लोगों को देते हैं कि इसके पार्ट के कोई किस चीज़ का कैसा दाम हो सकता है। और चलिए तो देखते हैं, ये जो फाइबर आप देख रहे हैं, इस फाइबर का अभी मार्केट में इसका रेट है, ये 14 mm का फाइबर है, इसका अभी 80 रुपया करके, 80 से 85 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। ये जो आप नट बोल्ट देख रहे हैं, इसको जो हम लोग चाबी बोलते हैं, ये जो है ये आपको पूरा सेट आता है। हम आपको जल्दी खोल के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको फ्रेंड्स पूरा सेट आएगा, ये आपको पूरा सेट इस तरह से आए। कभी कभी क्या होता है, टाइट देने की वजह से ये यहाँ से टूट जाता है, तो ये टूट जाने के बाद कुछ करने का नहीं है, तो इसको पूरा ख़रीदना पड़ता है। तो ये जब आप ख़रीदने जाइएगा, इसको कम से कम आपको 30 से 40 रुपये का पड़ जाएगा एक एक नट। नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा ही टूटता है, वो है ये यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर इस तरह का एक रिपीट किया हुआ एक बोल्ट है, ये बहुत ज़्यादा टूटता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये भी अगर आप ख़रीदने जाइएगा तो इसको मार्केट में 15 से 20 रुपये के अंदर आ जाएगा। अच्छा, एक और पार्ट है जो आपको पता है, ये स्प्रिंग वाला पार्ट, स्प्रिंग वाला ये, क्योंकि ये चौड़ा वाला स्प्रिंग है, ये चौड़ा वाला स्प्रिंग ख़रीदने जाइएगा तो मार्केट में आपको कम से कम पड़ेगा, अभी मार्केट रेट है इसका 40 से 45 रुपया रेट है। और छोटा वाला अगर 12 सेंटीमीटर वाला लेने जाइएगा तो उसका कम पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको स्नैर के हर एक पार्ट के दाम के बारे में भी अच्छी तरह से समझा सके हैं। तो चलिए, सब अच्छा रहिए, खुश रहिए और सेहतमंद रहिए, गर्मी में, धूप में अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।